कंपनी है, ऑटो एंसिलरी कंपनी है, एंड ऑफकोर्स जिस तरह से यहाँ पर अन्य कई कंपनियाँ जनवरी से अपने प्राइसेस बढ़ाने की सोच रही है, टाटा मोटर्स भी उसमें शामिल है पीवीज और ईवीज के लिए, यहाँ पर ये प्राइसिंग जनवरी से हो सकता है बढ़ाते हुए नजर आए। तो जाहिर सी बात है कि ऑटो ओईएम्स अगर प्राइसिंग बढ़ाते हैं तो हो सकता है कि उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आपको तमाम जितने भी ऑटो एंसिलरीज है उनकी कीमतों में भी बढ़त के साथ होती हुई नजर आए, जिससे कंपनी की रियलाइजेशंस में और फर्दर सुधार आता हुआ दिखेगा, अच्छे मार्जिन्स पर कंपनी ट्रेड कर पाएगी। और स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है ओवर टाइम, एक कंसिस्टेंटली यहाँ पर अच्छे गेंस इस कंपनी ने दी है, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो संस्थागत निवेशकों की हिस्सेदारी है वो भी काफ़ी पॉजिटिव है, 18.5% के रिटर्न ऑन इक्विटी पर सोना BLW अभी कारोबार कर रहे हैं। एंड ऑफकोर्स यहाँ पर थोड़े से महंगे हैं स्टॉक, क्योंकि 70 के पी मल्टीपल पर ये कारोबार कर रहे हैं, बट हो सकता है कि ईवीज में आगे चलकर जिस तरह की ग्रोथ आगे आने की उम्मीद है उस वजह से ये प्राइस मल्टीपल शायद जस्टिफाइड है। बट ऑफकोर्स संस्थागत निवेशकों का भरोसा लगातार बना हुआ है इस काउंटर पर, और आप देखिए तो यहाँ पर धीरे धीरे अच्छी खासी एक्यूमुलेशन FIIs की तरफ से भी होती हुई दिखी है। मार्च 2023 में करीबन 24.5% की हिस्सेदारी ये होल्ड करते थे, अब आप देखिए सितंबर अंत में 33.5% के आसपास की हिस्सेदारी इनकी हो गई है, और DIIs तो 27.5% के आसपास ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर 60% से ऊपर की हिस्सेदारी तो केवल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की है, तो मुझे लग रहा है कि इस वजह से ये जो भरोसा बना हुआ है अच्छी तेज़ी आगे के लिए भी ये तैयार हो रहा है। अगले एक साल में 700 रुपये के टारगेट के लिए एज अ फंडा पिक सोना BLW प्रिसीजन में आपको कर चलनी है खरीदारी। चलिए